अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हो मैं हूं आपका अपना सियाल लजपाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, आज हम यहां पे आए हुए हैं गुलशन इकबाल में। तो हमारे रिजवान भाई हैं माशाल्लाह, इधर इनके पास हमें बर्सी भी है और यहां पे इन्होंने रोज़ा अफ्तारी की पार्टी बड़ी की है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ गया रिजवान भाई, बहुत मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया आज हमारा। तो हमारे भाई भी हैं ये साबिर भाई, ये तो हमारे साथ ही हैं आपको पता है, जैसा कि अभी ड्रामा में माशाल्लाह बड़े इन्होंने एक्टिंग अच्छी की है माशाल्लाह, क्या कमाल कर दिया साहब। तो और रिजवान भी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक जा रहे हैं, मेहरबानी आपकी। नहीं नहीं, आप लोग आए, बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया भाई, गरीब मेहरबानी तो आपकी। तो विवर चलते हैं अंदर, अफ्तारी का टाइम भी हो गया, अभी बस चलते हैं अफ्तारी वगैरह करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको ये जनरल सेक्रेटरी साहब इनके हमारे के सदर साहब हैं, जनाब भैया साहब रोड के भैया कर्म साहब हैं हमारे, सारे घर के ए सी खरीदारी के इंचार्ज अस्सलाम वालेकुम अक्रम भाई, आ जाओ आ जाओ साहब, यार इतना अफसोस है यार, आ जाओ ना, कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ इधर, आओ इधर, थोड़ी लगे नहीं नहीं अली भाई, आ जाओ अली भाई, जाए बुलाए इसको इधर, आ जाओ ना, खोलते रहो, क्या है शर्माता तू भाई, इधर खड़ा हो जन्नत से। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रफ़ी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? मेरे भाई की मिजाज कैसे हैं? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई इधर अब आ जाए हैं, अफ्तारी पार्टी भी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बरसी भी है अफ्तार पार्टी भी है। तो हमारे जो दोस्त बाब यहाँ पे हैं इनसे ज़रा तारुफ करवा सकते हैं? जी करवा दें ज़रा, थैंक यू। कई सालों से सिलसिला चल रहा है अफ्तारी का, और इनके वालिद साहब की बरसी भी होती है, उस हवाले से ये हर साल ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी के अलावा दीगर बिरादरी के लोग भी इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खजानची, ठीक है, ये हमारे खजानची हैं डिगलोड़ी यूथ विंग के, ये हमारे सादात अल मेवात के सदर मोहतरम जनाब कमर अजम मेहताब साहब, ये हमारे यूथ विंग के फैज बुखारी साहब, सैयद बुखारी ये हमारे सदर हैं, और ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अजीज भाई अब्दुल अजीज अब्दुल मजीद, ये मरकजी रहनुमा हमारे बच्चे हैं, मरकजी रहनुमा है ये अकरम भाई, ये हमारे साथी हैं, वो हमारे वहाँ के यूथ विंग के सदर हैं मलीर खोखरा पार्क के जनाब सुल्तान भाई, सुल्तान भाई हमारे ये अर्दिल अजीज शख्सियत, ये कमर भाई के हर प्रोग्राम में माशाल्लाह शाना बशाना, हमारे मुन्ने भाई के खास दोस्त हैं, भाई के बड़े बुटीक के मालिक, और ये इन्वेस्टर ढूंढते रहते हैं मुन्ने भाई का, और इनका पूरी दुनिया में कारोबार है इस वक्त। अच्छा हाँ, पूरी दुनिया में हमें खुशी है कि भाई का हाथ हम सबके सरों पे है। नहीं नहीं, भाई का हाथ इनके सरों पे नहीं, दो के सरों पे होना चाहिए, भाइयों का हाथ, इन दो के सरों पे नहीं है सर, इनका ये बात
मेरे भाई ये अल सादात अल मेवात के सदर भी हैं, आल पाकिस्तान माशाल्लाह, आल पाकिस्तान अल सादात अल मेवात माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा प्यारे भाई आप सब दोस्तों से मिलकर। थैंक यू जी। बीबा जैसा कि आपको हमने बताया, आज हम आए खड़े इधर गुलशन इकबाल है ना, गुलशन इकबाल में आए खड़े हैं कमर मेहताब साहब के घर। यहाँ पे आए हुए हम तो यहाँ पे बरसी भी थी और रोज़ा अफ्तारी की यानी कि पार्टी भी यहाँ पे अच्छी है माशाल्लाह। ये हमारे साबिर भाई हैं जिन्होंने हमें बुलाया है, बहुत माशाल्लाह मुखलिस इंसान और मोहब्बत करने वाले भाई हैं हमारे। जैसा कि ये हमारे भाई ये भी खड़े हुए हैं इस्लामुद्दीन भाई, तो बहुत अच्छा लगा। फाइनेंस सेक्रेटरी माशाल्लाह, फाइनेंस सेक्रेटरी वजीर खजाना, वजीर खजाना भाई, वजीर खजाना। फिर तो फिर हमें भी ज़रूरत थी हमारे की मदद के लिए कर लिया। अच्छा अच्छा चलो, यानी कि दुनिया उम्मीद पे कैम है इंशाल्लाह, तो हमें कैम रहना चाहिए ना, टाइम रहना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अपने सियाल लजपाल को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह, तो ढेर सारी मोहब्बतें लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इजाज़त दें हम सबको और हमारे ख़ास तौर पे हमारे भाई को, तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।